नो मैथ्स, कम फीस और डायरेक्ट एडमिशंस। क्या आप भी कुछ ऐसे कॉलेजेस देख रहे हो बीसीए एडमिशंस के लिए 2024 में? अगर हाँ तो कौन से हैं वो बीसीए कॉलेजेस, कितना इजी है यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस, क्या है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी यहाँ पे आपको टोटल फीस देनी होगी बीसीए कोर्स के लिए? अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडामेंटल संस्थान का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 2024 इजी बीसीए एडमिशंस, जहाँ पे मैथ्स की जरूरत नहीं है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको देना नहीं पड़ेगा और ये जो कॉलेजेस हैं ये है बजट कॉलेजेस। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित, मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएससीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि बीसीए में एडमिशन के लिए कई कॉलेजेस में हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, कई कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है और कई कॉलेजेस में कई मैंडेटरी सब्जेक्ट के क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो वो जानना चाहते हैं ऐसे कॉलेजेस के बारे में जहाँ पे मैथ्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो, एंट्रेंस एग्जाम ना देना पड़े और कॉलेजेस भी बजट में हो। तो ऐसे ही कॉलेजेस के बारे में आगे हम जानने वाले हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें इनकी डिटेल्स को। तो सबसे पहला कॉलेज जो लिस्ट में है जहाँ पे नॉन मैथ स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं वो है सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो कि अहमदाबाद में है। यहाँ पे जो बीसी कोर्स की टोटल ट्यूशन फीस है वो है 65,000 रुपीस के करीब। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, 12th के मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपने 12th पास की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और किसी भी स्ट्रीम से। दूसरे नंबर पर नॉन मैथ्स लो बजट और डायरेक्ट एडमिशन वाले कॉलेजेस में आता है डीएवी कॉलेज जलंधर। यहाँ पे भी जो एडमिशन होता है बीसीए जैसे कोर्स में वो होता है 12th के मेरिट के बेसिस पे। ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो बीसीए का जो पूरा कोर्स है उसकी टोटल ट्यूशन फीस यहाँ पे है 1.5 लाख रुपए के करीब। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका भी बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और मिनिमम यहाँ पे आपके पास 50% मार्क्स आए होने चाहिए, तब आप बीसी कोर्स के लिए इस कॉलेज में एलिजिबल हैं। तीसरे नंबर पे आता है ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस, जो कि बैंगलोर में है। ये भी ऑप्शन देता है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन पाने का, वो भी लो बजट में। तो ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस में बीसी कोर्स की जो टोटल ट्यूशन फीस है वो है लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको गुजरना होता है इस कॉलेज के अपने इंटरव्यू प्रोसेस और ग्रुप डिस्कशन से। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं जिन्होंने 2 ईयर्स प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पास किया होता है कंडक्टेड बाय प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड इन कर्नाटका, या फिर उन्होंने 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से पास किया होता है। तो ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ से बीसीए कर सकते हैं अगर वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। चौथे नंबर पे एक बहुत ही अच्छा कॉलेज आता है क्रिस्तु जयंती कॉलेज, जो कि बैंगलोर में है। यहाँ पे भी एडमिशन होता है 12th के मेरिट के बेसिस पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज क्राइटेरिया भी बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से विद मिनिमम 40% मार्क्स। और यहाँ पे ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें वो थोड़ी सी हाई है, यहाँ पे आपको बीसी कोर्स की टोटल ट्यूशन फीस देनी पड़ सकती है 3 से 3.5 लाख रुपए के करीब। पांचवें नंबर पे आती है पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि लुधियाना में है। ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। यहाँ पे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स बीसी जैसा कोर्स कर सकते हैं विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फीस की अगर हम बात करें तो बीसी कोर्स की टोटल ट्यूशन फीस यहाँ पे 1.5 लाख रुपए के करीब। और यहाँ पे भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो होता है 12th के मेरिट के बेसिस पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से विद मिनिमम 60% मार्क्स। 6 बहुत ही अच्छा ऑप्शन बीसी जैसा कोर्स करने का फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड और डायरेक्ट एडमिशन है एमसीएम डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि चंडीगढ़ में है। ये नैक ए कैटेगरी का कॉलेज है जहां से आप बीसी जैसा कोर्स परस्यू कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहां पे भी एडमिशन बीसी में हो जाता है 12th के मेरिट के बेसिस पे। बीसी कोर्स की फीस यहां पे काफी लो है, लगभग 1 लाख रुपए के करीब है फॉर एंटायर बीसीए कोर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 12th आपने पास करनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक बीसीए जैसे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है या उसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो ये कॉलेजेस बहुत अच्छे ऑप्शन है बीसीए जैसे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। आप जरूर उन्हें नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वैलिडेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फंडामेंटल संस्थान पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।